नमस्कार। आज मैं बेसन का लड्डू बनाने जा रही हूँ, तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए। यहाँ पे मैं 350 ग्राम मोटा वाला बेसन ली हूँ, और यहाँ पे 400 ग्राम भूरा है, यहाँ पे 300 ग्राम से हल्का सा कम देसी घी है। तो चलिए अब हम बनाने चल रहे हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डालूंगी और खूब धीमे आंच में इसे आपको भूनना है। ये देखिए, गोल्डन होने तक इसे आपको बेसन को भूनना है। ये देखिए, इसमें अब मैं थोड़ा घी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, आपको पहले भी बताई थी। ये देखिए, बेसन भून चुका है, और ये देखिए धीमे आंच में इसको भूना गया, इसलिए ऐसे हुआ है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ऐसे भूनने में मुझे 8 से 9 मिनट तक लगा है घड़ी के हिसाब से। तो अब मैं ये भूरा है इसमें मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, इसको सब मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको लड्डू बनाने चालू करती हूँ। ये देखिए, थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसे लड्डू बना दे रही हूँ। देखिए ऐसे बनाना है आपको। ये देखिए ऐसे बनाना है, ऐसे मैं सब बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बेसन का लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो कोशिश करिए आप भी बनाइए घर पे, ज़्यादा समय लगता भी नहीं है और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।